हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। आज है सैटरडे, बस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हुआ था, और ब्रेकफास्ट और क्लीनिंग के बाद ये जो टाइम रहता है ना, थोड़ा सा वो फ्री मिल जाता है, क्योंकि अनविद भी इस समय सो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज अपना ये जो मेरा कैंडल होल्डर है, ये मैंने बहुत पहले लिया था, यहाँ पे पास में ही नर्सरी है। पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि नहीं दिखाया था। इसको मुझे पेंट करना था, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पर पेंट करूं, लेकिन भूल ही गई थी। तो आज सौरभ ने फिर मुझे याद दिलाया कि इसको पेंट कर लो, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको पेंट कर लेती हूँ। वैसे भी 5 अप्रैल को 9 दिए जो जलाने हैं, तो सोचा कि एक दिया इसके अंदर रख दूँगी, क्योंकि कैंडल होल्डर ही है, और बाहर अपनी बालकनी में लगाऊँगी ना ऐसे, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो वो तो मैं आपको दिखाऊँगी ही। तो चलिए इसको पेंट करना शुरू करते हैं, और मन को पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी नेगेटिविटी है इस माहौल में, और ये सब करूँगी ना तो थोड़ा सा मन पॉजिटिव होगा और अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है या कुछ भी नहीं है, तो एक पेपर पेन ही ले आइए, और मेरे साथ बैठ के आप लोग भी पेंट कीजिए, क्योंकि मुझे तो पेंट करके बहुत अच्छा लगता है, और मन एकदम पॉजिटिव हो जाता है। एनवायरनमेंट में जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो मतलब दिखाई नहीं देती है। तो चलिए अभी करते हैं पेंट, और अपने मन को करते हैं पॉजिटिव। कैंडल होल्डर को मैंने ब्लू और रेड करने का सोचा है, क्योंकि ये जो कलर है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और दूर से अच्छे भी लगेंगे, और इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर जब मैं गोल्डन और वाइट वर्क करूँगी ना। तो मतलब बेसिकली जो प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, तो ये ना बहुत सुंदर दिखते हैं, और आजकल फैशन में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इनको आज ब्लू और रेड करने का सोचा है, तो वही मैंने फिर स्टार्ट किया है करना। और साथ में ही अपना मैंने एक बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक लगाया है, मेडिटेशन वाला ही। यूट्यूब पे ही मिल जाते हैं बहुत सारे म्यूज़िक, तो साइड में अपना मोबाइल रखा और मैंने वो म्यूज़िक लगाया है, तो वही मैं अभी आराम से सुन रही थी और पेंट कर रही थी। अगर आप लोगों को भी ना कभी ऐसे डर लगे, या फिर आप लोग डीमोटिवेटेड हो, या फिर कुछ भी अच्छा ना लगे, तो आप मेरे कहने से ना ऐसे आप कलर्स बाहर निकाल के बैठिए और उनको रैंडमली कुछ भी करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पेंटिंग तो ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी को ही पसंद होती है, क्योंकि बचपन में ना हम लोगों ने स्कूल्स में ड्राइंग बहुत ज़्यादा की है, तो हर किसी के पास ड्राइंग होगी, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एप्पल, बनानास, ये सब पेंट ना किए हों, फ्लावर्स वगैरह। तो आप ऐसे पेंट निकाल के पेंट करना शुरू करेंगे ना, आप देखेगा जितनी देर भी आप पेंट करेंगे ना, आपको कुछ समझेगा ही नहीं, और आप इसमें खो जाएंगे। और पास में आप लगा लीजिए कोई भी अच्छा सा ऐसे शांत वाला म्यूजिक, मेडिटेशन वाला, या कुछ भी जो भी आपको पसंद है, और आपको ना जो आसपास की दुनिया है ना, वो समझेगी नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये करने के बाद तो ना आप भूल ही जाएंगे कि हुआ क्या था। तो आप ज़रूर करके देखिएगा, मेरा आप लोगों से सजेशन है। आजकल की जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है माना, लेकिन फिर भी आप अपने लिए 5 to 10 minutes निकाल के देखिएगा कितना आपको अच्छा लगेगा।
फाइनली पेंट हो गया है और ये है आउटकम। आउटकम जैसा भी है बट मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली है। एक्चुअली आज ना सुबह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहले आप ये देख लीजिए और मैं यहाँ पे जो भी ब्रशेस वगैरह है ना वो सब क्लीन करके आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और अंदर मैंने नहीं किया, वो मुझे अभी कैमरे में देखने के बाद लग रहा है कि मुझे अंदर भी करना चाहिए था। एक्चुअली पहले मुझे लगा नहीं, तो अंदर भी मैं इसके कर दूंगी। बताइएगा आप लोग कि आपको कैसा लगा ये। सिंपल सा है लेकिन अच्छा लग रहा है। और ना मज़े की बात यह है कि मुझे क्राफ्ट करने का इतना ज़्यादा शौक है ना, तो कोई भी चीज़ मतलब मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। ये देखिए ब्रशेस के सेट्स और ऐसे और भी बहुत सारे ब्रशेस हैं। एक्चुअली मैं ना यूके में भी जब रहती थी तो क्राफ्ट्स वगैरह करते रहती थी और वहाँ पर भी मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़रीद के रखती थी। काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। और ये मेरे टूल्स हैं मंडाला आर्ट के लिए, मैं मंडाला आर्ट भी करती हूँ। तो ये देखिए सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है और यूके की ये पॉलिथीन भी है जिसमें ये रख के आए थे। और बस मैं अभी वॉश करके आती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अरे मैं अभी अभी करके हटी हूँ, मैं ब्रशेज वॉश करने के लिए गई थी, उसको टच मत करो, गीला है। तुम क्या करने लगे थे? मैं देखा था क्या किया तुमने इसका ना, क्या किया मतलब क्या डिजाइन बनाया वो चेक कर रहा था मैं, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए लुकिंग गुड। तो हम लोग कहाँ डाल लगाए इसको? मैंने तो उसको बालकनी के लिए बनाया है, जो बाहर बालकनी है। एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे अटकेगा नहीं वो। एक बार ट्राई करते हैं ना, यहाँ पे आएगा नहीं वो, दिखाई भी नहीं देगा वो। देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है बालकनी में ही लगाएंगे, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा वो। ये देखो ठीक है। फाइनली अभी सब ब्रशेस वगैरह वॉश करके आई हूँ, यहाँ पे पेंट लग गया है, ये तो क्लीन करना ध्यान ही मेरा अभी हट गया है। तो अनवित भी अभी सो के उठ गया है, उसकी नींद बहुत कच्ची है, बहुत ही कम देर के लिए सोता है, उसी में ही मुझे अपना काम करना पड़ता है। और इधर सौरभ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहे हैं बैठ के, तो इसीलिए मैंने भी अपने आप को बिजी कर लिया था। एक्चुअली सुबह मैं इसलिए डर गई थी, आजकल लोग इतनी मतलब खौफ भरी पोस्ट कर रहे हैं ना। आज मैंने अपना फेसबुक ओपन किया तो वहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखी जहाँ पे मतलब एक बंदा ना अपना सलाइवा से फ्रूट्स मतलब टच करके और अपनी जो फ्रूट्स वाली जो रेडी होती है ना वहाँ पे रख रहा था। तो इट वॉज वेरी स्केरी। और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस अभी नहीं है, बस कहाँ है तुम्हारी रेड वाली बस? बाहर है, बाहर जाओ लेके आओ बस। वो रेड वाली है ना, रेड वाली को बस बोलता है ये। तो अपना सलाइवा टच कर करके जो ऑरेंजेस है ना वो मतलब रेडी पे रख रहा था। और इतना ज़्यादा मतलब उस पोस्ट ने डरा दिया, बहुत ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया। एक सेकंड को तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि लोग ना लिटरली इनसेन हो गए हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा मतलब डर लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना खौफ पैदा हो गया था। तो फिर सौरभ बोलने लगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब सेंटेंस मिलते हैं ना पॉजिटिव वाले तो अच्छा लगता है। और फिर ऐसे माइंड में ना ये सब चल रहा था, तो सब काम वाम मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन तब भी ना माइंड में वही पोस्ट घूम रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अभी ये पेंट करती हूँ और खुद को पॉजिटिव करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लिटरली जो मन है ना वो फ्रेश हो गया। मैंने नियर अबाउट 1 आवर पेंट किया है और मेरा जो मन है ना वो एकदम फ्रेश हो गया है, क्योंकि वैसे भी मैंने इसमें जो थोड़ी थोड़ी ना मंडाला आर्ट की है वो तो वैसे भी मेडिटेशन के लिए परफेक्ट होती है, वही मैंने उसमें किया है। तो मतलब वो करके अब अच्छा लग रहा है। तो और आप बताइए, आप लोग कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं? काम तो बहुत ज़्यादा है, आई नो, वो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काम के अलावा भी कुछ और भी आप लोग कर ही रहे होंगे, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि काम के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सभी के पास बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए मैं अभी अनवित को देखती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
फाइनली आप लोगों से मेरी जो मुलाकात हो रही है ना वो अभी इवनिंग में हो रही है, और आज दिन भर ना ऐसे क्राफ्ट में और इसमें ही बीत गया, क्योंकि एक चीज़ करने बैठो ना तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। पहले कैंडल होल्डर पेंट किया, फिर उसके बाद मैंने एक स्टेंसिल बनाया है ब्रिक वाला, वो मैं जब भी यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैं किस चीज़ का मतलब क्या यूज़ करने वाली हूँ उसका। तो बेसिकली मैं तो मतलब जिन चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता ना उतना ज़्यादा, मैं वो चीज़ें अब थोड़ा टाइम निकाल के कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पर ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी, सोचा कि यहीं बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी हवा खाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। डिनर में आज प्लान हुआ है पुलाव खाएँगे, बहुत दिन बाद आज पुलाव बन रहा है, और आजकल तो जो भी बन जाए ना वही स्पेशल है, क्योंकि बचा बचा के हर चीज़ को चलना है। तो पुलाव मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो स्पेशल है ही पुलाव खाना। तो आज वही जो बड़ी वाला पुलाव है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी अपने प्लांट्स के साथ, और फिर जाऊँगी मैं पुलाव बनाने के लिए। आज ना मैं तंदूरी पुलाव बनाने वाली हूँ, और राइस मैं ऑलरेडी भिगा चुकी हूँ, और यहाँ पे मटर और जो कॉर्न है ना वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो इस बार ना हम लोग काफ़ी सारी मटर लेके आते थे वीकेंड्स पे जनवरी और फरवरी के करीब, तो मम्मी वही बोलती थी कि अच्छी मटर मिल जाती हैं, और जब भी उनको टाइम लगता था ना तो मतलब निकाल के और डीप फ्रीज कर देते थे, और ये नहीं पता था कि मतलब ऐसा टाइम भी आ जाएगा जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो फ्रीज में अगर मटर होना तो काफ़ी कुछ हम बना सकते हैं। तो देखिए हमारे इस टाइम में ये जो मटर है ना वो काम आ गई, और ये जो फ्रोजन कॉर्न का पैकेट है ना वो भी काफी पुराना मेरे पास फ्रीजर में रखा हुआ था, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आज मेरे हाथ में ना बहुत तेज चोट लग गई और पूरा हाथ कट गया ये। तो बेसिकली ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ये मतलब देखने में तो चोट बहुत ज्यादा छोटी है, लेकिन ना मैं मतलब ऐसे बर्तन वगैरह जो मतलब बेसिकली सर्फ वाला काम है ना वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से बहुत तेज दर्द होता है, और दोपहर में तो उसमें गर्म पानी भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी काम करने में। इवन मैं अभी वेजिटेबल भी काट रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो हाँ मैं आपको वही बोल रही थी कि ऐसे जो चीज़ें हैं ना वो काम आ जाती हैं, टमाटर आलू प्याज तो सबके घर में अवेलेबल है ही, और ये देखिए मेरे पास मटर और कॉर्न थी ना तो ऐसे मतलब काम आ गई, तो मुसीबत बता के नहीं आती है। तो बेसिकली ये जो टाइम है ना वो मुसीबत वाला ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है और एक आलू लिया है, सब कुछ बचा के चल रही हूँ। अनियन पहले मैं ज्यादा लेती थी लेकिन अब नहीं चल रही हूँ क्योंकि बचा के चलना है। और ऐसे ही सब चॉपिंग करने के बाद ना मैं बाहर आई थी, तो बाहर अच्छा लग रहा था और ऊपर ना चांद खिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि शूट करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ अपना पुलाव छोंकने के लिए। तो तंदूरी पुलाव छोंकने के लिए बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तंदूरी चीजें ना मस्टर्ड ऑयल में बनती हैं। और आप लोगों बताना कि आपने तंदूरी पुलाव सुना है क्या, पता नहीं ऐसे रैंडमली मेरे माइंड में आया कि मैं तंदूरी पुलाव बनाती हूँ। और बेसिकली मैं अभी आप एक क्लिप सुनिएगा भी आगे चल के, सौरभ मेरे साथ बात कर रहे थे पुलाव के बारे में, तो पुलाव को लेके ना मेरे मन में ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं कि मैं कैसे मतलब उसको नया टेस्ट दे सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ पुलाव शेयर करती हूँ ना तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें आपको दिखाती हूँ। और मैं मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना अपने रिलेटिव में या फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को पुलाव खिलाया है तो मैं उनके घर जाती हूँ ना तो मुझसे ही पुलाव बनाते हैं कि नेहा पुलाव बनाएगी। आप लोगों ने ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, मैं अपनी सिस्टर के घर पे गई थी वहाँ पे भी मैंने उनको पुलाव बना के खिलाया था। और ऐसे ना मतलब मेरे हाथ का पुलाव ना बहुत लोगों को पसंद है, और मेरे लिटरली मेरे रिश्तेदारी में सब लोग मुझे ना पुलाव क्वीन बोलते थे कि नेहा मतलब बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती है। चलो ये तो हो गई खूब सारी तारीफ अपनी, अब बनाते हैं। बन चुका आधा, तो मतलब इसमें क्या डाला है, मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था और इसमें डाला है मैंने जीरा, मैंने खड़े मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और खड़े मसाले फिर बहुत गर्मी करेंगे। अगर आपके यहाँ थोड़ा ठंडा है तो आप इसमें खड़े मसाले ऐड करिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बस इसमें मैंने ऐड किया है तेज पत्ता, क्योंकि तेज पत्ता ना अच्छा लगता है थोड़ा राइस में, तो वही ऐड किए हैं। एक अपने लिए रेड चिली ऐड की है, और इसमें मैंने जो स्लाइस्ड अनियन है ना वो ऐड किया है, और जब ये मेरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, ये भी मेरे पास रखा हुआ था तो आज काम आ गया तो मैंने सोचा कि ये ऐड कर देती हूँ, और अच्छा फ्लेवर आता है इससे।
और ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी मेरा जो तंदूरी मसाला है ना वो ऐड करूंगी, और इसमें ऐड करूंगी बहुत थोड़ा सा मैं गरम मसाला, 2 टोमेटोज का प्योरे ऐड करूंगी। टोमेटोज का प्योरे डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी, क्योंकि जो तंदूरी चीजें होती है ना उसमें कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये कुछ टिप्स हैं जो मतलब मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए हुए भी हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेसिकली जो कसूरी मेथी है ना वो मैं बहुत अच्छे से ऐड कर रही हूँ, और कसूरी मेथी ना मेरे पास हमेशा अवेलेबल होती है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में ऐड करती हूँ। तो उसका काफ़ी बड़ा पैकेट मैं स्टार बाजार से लेके आई थी बहुत दिन पहले और वो आज तक चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है एक्चुअली एक आलू जो मैंने चॉप किया था, और एक्चुअली बहुत दिन से ना ऐसे सिंपल सिंपल ही सब कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इनको कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर देके कुछ अच्छा बनाती हूँ ताकि स्पेशल वाली थोड़ा सा फीलिंग आ जाए। और यहाँ पे मैंने जो अपने कॉर्न और मटर है ना वो भी ऐड कर दी है, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं क्योंकि तंदूरी मसाले में भी थोड़ी सी मिर्ची होती है वरना फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड करिएगा, आप इसमें थोड़ा और रेड चिली भी ऐड करिएगा तो और अच्छा टेस्ट आएगा, बट मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अनवित भी शेयर करेगा फिर। और इसमें मैं ऐड करूँगी दही, क्योंकि जब आप तंदूरी चीज़ें बनाते हैं ना तो उसमें दही भी इम्पोर्टेंट होता है, और दही मतलब अच्छा टेस्ट भी देता है। तो बस दही डालने के बाद और बहुत थोड़ा सा पानी डालने के बाद, सोल्ट डालने के बाद ना मैं इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा गलने के लिए रख दूंगी। स्पेशल मेरे लिए बस। अरे वाह स्पेशल पुलाव, अब हमने बनाएंगे पुलाव स्पेशल, तो कौन बनाएगा जब स्पेशलिटी पुलाव की है। यस यस डेफिनेटली आई नो स्पेशलिटी पुलाव की है ना। फिर कुछ अच्छी आ रही है वैसे, मेरे गांव में मुझे पुलाव क्वीन बोला जाता था। वाह तुम्हें बोलते हैं सारे रिश्तेदार में फंस गया, तुम कहां बोलते हो। दही ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ ये सोयाबीन की जो बड़ी है ना वो सोक करके रखी थी वही मैंने ऐड की है, और गोभी भी मैंने थोड़ी सी बॉयल की थी वो भी मैंने ऐड करी है। तो गोभी जब भी मैं कुक करती हूँ ना तो उसको मैं ऑलरेडी बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि गोभी के अंदर गोभी खाना ना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये सब चीज़ें डाल के फिर मैं इनको मतलब सब्जियों को गलने के लिए रखूँगी। और यहाँ पे मेरी जो वेजिटेबल्स है ना वो गल गई थी, इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। तो मेरे 2 कटोरी राइस थे तो मैंने इसमें मतलब 4 कटोरी से बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, क्योंकि जब खुले चावल पकाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है। और इसमें मैंने भीगे हुए राइस ऐड किए हैं तो इनको मैं ढक के रख दूंगी, और इसमें क्योंकि इसको ना फिर मैं ओपन नहीं करूंगी, और जब 15 मिनट बाद मैंने ओपन किया ना तो ये देखिए मेरा जो खिला खिला पुलाव है ना आप देख सकते हैं इसका कितना एक एक दाना खिला हुआ है। तो देखने में ही मतलब बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था ये पुलाव। और बस अभी मैं और हम लोग मतलब करेंगे है अपना डिनर इंजॉय, और मैं करूंगी आज के व्लॉग का यहीं पर ही एंड वरना फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी दही, सौरभ नहीं ले रहे हैं क्योंकि सौरभ को आज थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, वैसे भी सौरभ रात में यहाँ पे थोड़ा सा दही नहीं खाते हैं क्योंकि सूट नहीं करता है। और बस ऐसे था आज का दिन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी, मिली है तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।